रियाज विलियम एक बार फिर आपकी खुश हाजिर है। और आज मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक रावल पिंडी में। और आज हम टेस्ट करेंगे मामू का बर्गर, जहाँ इसके बड़े चर्चे हैं, बड़ी धूम है। और मामू के बर्गर पे बहुत ज़्यादा गाने बने हैं और पिंडी में इसे लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो साथ रहिएगा, प्रॉपर व्लॉग को शुरू करते हैं और देखते हैं मामू का बर्गर खाने में कैसा है और ये कैसे बनता है। तो गाइस अभी हम मौजूद हैं मामू के बर्गर पे और आज हमने ऑर्डर किए हैं एक शामी अंडे वाला बर्गर और एक चिकन वाला बर्गर। टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं खाने में कैसा है। पहले टेस्ट करेंगे हम अंडे वाला बर्गर फिर आपको बताते हैं कैसे है। बहुत ज़्यादा मज़े का शामी टेस्ट है ना, बहुत अच्छा है। बीच में काली मिर्च का मज़ा क्या बात है। सुपर शॉप है, अपने मैार को अभी तक अच्छा रखा हुआ है, बहुत अच्छा। टेस्ट बता रहे हैं इसकी हर चीज फ्रेश है। तो गाइस अंडे वाला बर्गर तो बहुत ज़्यादा मज़े का था। अब ट्राई करते हैं चिकन वाला बर्गर। और इन्होंने बर्गर बनने के बाद जो तवे पे इसे बनाया है उसके बाद से ये बड़ा क्रिस्पी हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े का। बर्गर बता रहा है कि फ्रेश है इनका चिकन का बर्गर और अंडे छापने वाला बर्गर दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमने भीम का भी ट्राई करना था मगर भीम बात पर बंद है, इसलिए हमने ये दो ऑर्डर किए। दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपने एक सिंपल बर्गर खाना है शामी वाला खाएं, अगर थोड़ा फैंसी काम करना है, थोड़ा सस्ता करना है तो आप चिकन वाले ट्राई कर सकते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और दोनों पैसा वसूल है, दोनों का मज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस अपने इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
चांदनी चौक में हमने मामू के बर्गर को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ का बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छा था, स्पेशली इनका शामी बर्गर और चिकन बर्गर बहुत ज़्यादा मज़े का था। जब कभी आप पिंडी आएँ तो चांदनी चौक ज़रूर आएँ और यहाँ का बर्गर ज़रूर इंजॉय करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।